नमस्कार, मैं हूं ज्योति कनौजिया। जांजगीर चांपा से आ रही है बड़ी खबर, चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में बलौदा पुलिस को मिली सफलता। आरोपी सुख सागर को बिलासपुर रेलवे स्टेशन से घेराबंदी कर किया गया गिरफ्तार। आरोपी सुख सागर घटना कारित करने के बाद फरार होकर जम्मू कश्मीर एवं दिल्ली गया था। थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर सुख सागर सूर्यवंशी अपने साथ शक्ति नगर जम्मू ले गया। वहां पीड़िता को शादी करूंगा बोलकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता द्वारा शादी के लिए कहने पर शादी से मुकर गया। आरोपी घटना कारित करने के बाद दिल्ली जम्मू की तरफ फरार हो गया था। आरोपी गिरफ्तारी के डर से मोबाइल का उपयोग भी नहीं कर रहा था। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी अपने दोस्त से मिलने ट्रेन से बिलासपुर आ रहा है, जिस पर तत्काल बलौदा पुलिस रेलवे स्टेशन बिलासपुर पहुंची और आरोपी सुख सागर सूर्यवंशी को स्टेशन के बाहर घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म करना स्वीकार किया गया है।